वेलकम टू दादी एंड पोती आर्ट टाइम। आज मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के आगे बताने वाली हूँ। तो वो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पेड़ पौधे और कलर मिक्सिंग बताई थी। उसके बाद मैं आज सीनरी बनाना चाह रही। आपको सीनरी बनाने के लिए सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर ये टेप चिपका लें ताकि किनारे पे जो लाइन रहती है वो अपने आप आ जाए। फिर उसके बाद इसको दो भागों में बांट लें। ये आप डॉट डॉट करके ये भाग आसमान बनेगा। इस भाग में मैं पानी बनाना बताऊंगी। आसमान बनाने के लिए सबसे पहले ब्लू कलर लेंगे। ब्लू कलर से इसको ऐसे ब्रश को एक ही साथ चलाना है, ऊपर नहीं, बीच में नहीं उठाना। ये चौड़े वाला ये आया। ये मैं पोस्टर कलर से बना रही हूँ। आप वाटर कलर से भी बना सकते हैं और दूसरे कलर से भी बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ब्रश एक बार में सीधे चलेगा, ठीक है? ये आया। इस तरह आप सनसेट का सीन दिखाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा रेड और येलो मिलाएंगे। एक लाइन रेड की और एक लाइन येलो की मिला के फिर इसको मिक्स करेंगे। ये ऐसे करके ये आ गया। थोड़ा सा व्हाइटनेस भी डालेंगे। सबको सबको मिक्स कर देंगे। ये आकाश बन गया। अब इसके साथ इसी से ये बना देते हैं वाटर। वाटर के लिए एक लाइन ब्लू की करेंगे, और एक लाइन ये एक लाइन आपने ब्लू की, एक लाइन से ये वाइट करेंगे। ये ऐसे ये पानी का कलर आएगा। ज्यादा कर सकते हैं। ये पानी का कलर आ गया। अब इस पे अपन पहाड़ बनाएंगे। पहाड़ बनाने के लिए
आप चाहें तो ऐसे स्केच कर सकते हैं। पहले ये पहाड़ बन गया। पहाड़ बनाने के लिए ये मस्टर्ड कलर का यूज करेंगे। ये ऐसे ये इसको लाइन बना देते हैं। ये लाइन बन गई। इस तरह पहाड़ बन गए। ब्रश को ऐसे फेरना है ताकि पहाड़ का शेप दिखे। ऐसे जैसे ब्रश फेरेंगे वैसी पेंटिंग होने लगती है, इसलिए ब्रश फेरने का डायरेक्शन ध्यान रखना चाहिए। ये अपन ने पहाड़ बना लिए। पहाड़ में थोड़ा सा लाइट कलर कर सकते हैं, ब्राउन। ये है ब्राउन, ये तो वापस का है। कलर से सेटिंग अच्छी आएगी। ये ऐसे सेट हो गया। ये मस्टर्ड कलर से अपन नीचे पेड़ पौध बना सकते हैं। ये मिट्टी हो गई मस्टर्ड कलर से, चॉकलेटी कलर आप यूज कर सकते हैं। फिर इससे ये आप यहाँ खजूर का पेड़ जो मैंने बताया था उसका ही शेप बनाएंगे। थोड़ा सा ये चट्टान जैसी रहती है, ये मिट्टी बना गई। ये मैंने अभी जल्दबाजी में करे हैं, इससे ड्राइंग शीट गीली है। आप लोग इतनी जल्दी ना बना के एक दिन का गैप करें या एक आध घंटे थोड़ा सुखा लें उसके बाद, क्योंकि दूसरा कलर जब चढ़ता है तो वो एक तीसरा कलर बन जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जैसे मैं ये यहाँ पे डूबता हुआ सूरज बना रही हूँ, लाइट पीला कलर
अपने आकाश में थोड़ा सा बादल भी बना सकते हैं। बादल बनाने के लिए व्हाइट कलर लीजिए और इसको ऐसे करिए। से भी कर सकते हैं। अभी कलर गीला है इसलिए सही नहीं आ रहा है, आप लोग गीले कर लो। ये ग्रीन कलर से एक नारियल का पेड़ है, इसको बनाती हूँ। नारियल का पेड़, इसको ऐसे 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 करके ये पेड़ की पत्तियां हमेशा नीचे झुकी हुई होंगी, इसलिए ये इस तरह से बनाएंगे। खजूर का पेड़ आप देख सकते हैं, नारियल का देख के भी जल्दी समझ में आएगा। ये इस तरह से आएगा। थोड़ा येलोनेस करके इसको लाइट कर सकते हैं। यस, ऊपर थोड़ा डार्क लाइट कलर भी कर सकते हैं। बना दिए। नीचे घास बना देते हैं, पानी के पास थोड़ी सी घास। घास बनाने के लिए ब्रश ऐसे उठाएं कि ऊपर नोक आए और बीच में नीचे मोटी आए, ऊपर नोक आए। इस तरह से घास बन गई। थोड़ा सा डार्कनेस कर देखो ये सारी बन गई है। अब आप शाम के टाइम पक्षी घर पे आते हैं, इसलिए पक्षियों को बना देती हूँ, बगला बना देती हूँ। पतले वाले से करना, ये पूरी पेंटिंग बन गई है। मैंने पेंटिंग एक ही दिन में की है, इसलिए थोड़ी गीली है। आप
ये गलती ना करें, आधी पेंटिंग बना के जैसे आकाश बना लें, पानी बना लें, उसके बाद थोड़ा इसको सूख जाने दें, हो सके तो एक दिन का टाइम दें, उसके बाद आप जब करेंगे तो और भी सुंदर पेंटिंग आएगी। और ये इसमें जो भी गलती हो जाती है उसको सूखने के बाद ही दोबारा कलर कर सकते हैं। ये सब बन गया है, आगे मैं और भी अच्छी बताऊंगी। आप टेप उतार लीजिएगा ताकि ये पेंटिंग बन गई है पूरी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि और आप क्या सीखना चाहते हैं, मुझे सजेशन दीजिए, मैं उसी तरह आपको आगे बढ़ के सिखाऊंगी। और आप लोग को ये वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू।